सामने जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं यही है त्रिकुटा पर्वत जो कि ऊपर वैष्णो देवी श्राइन पे जाती है। इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग एंड अभी कुछ प्लान है बाहर आउटिंग का आज का, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड रियासी या मानसर लेक, कुछ डिसाइडेड नहीं है। सो कार इज रेडी, सो वी आर आल्सो रेडी। सो अभी कुछ प्लान यही है, या तो रियासी जाएंगे या फिर मानसर लेक, जो कि दोनों ही यहाँ से अराउंड 50-60 किलोमीटर है, बट माउंटेन एरिया। तो आगे देखते हैं, जहाँ से भी प्रोसीडिंग शुरू करते हैं वहीं मिलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम आ पहुंचे हैं ऑन द वे टू रियासी। सो हमने दो डेस्टिनेशन डिसाइड किए थे, या तो हम मानसर लेक जाएंगे या फिर रियासी फोर्ट जाएंगे। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो टू रियासी फोर्ट क्योंकि मानसर लेक सब लोग देख चुके थे लास्ट ईयर ही। सो राइट नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर द रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये एकदम जम्मू के साथ में ही है, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है उसके बाद रियासी शुरू हो जाता है एंड वी आर ऑन द वे टू रियासी। सो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पे वैष्णो देवी श्राइन है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। अभी आपको शायद कैमरे में इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा स्मॉगी या क्लाउडी सा है। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ चुकी है हिल एरिया में, क्योंकि पिछले एक दिन से बारिश भी काफ़ी हो रही थी और माउंटेन्स में काफ़ी बर्फ़ भी पड़ी थी श्रीनगर साइड में एंड ऑल। तो ये वही आगे पुंछ वगैरह की रेंज है, रजौरी पुंछ की रेंज में काफ़ी स्नोफॉल भी हुआ हुआ है। सो बस अभी बस यही है, अभी पहला हमने ब्रेक लिया है, अराउंड हमने 11:30 स्टार्ट किया था जम्मू से। सो अभी 12:15 हो चुके हैं, तो बस अभी वहीं जाएंगे रियासी, वहाँ पर हमने फोर्ट घूमना है और रस्ते में एक दो टेम्पल्स हैं अगर वहाँ गए तो वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। साथ में रियासी फोर्ट है वहाँ घूमेंगे, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है और इट्स लाइक अ पिकनिक स्पॉट एंड अ टूरिस्ट स्पॉट। सो अभी वी आर ऑन द हाईवे एंड अभी हम हैं कश्मीर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, और यहाँ पे एक पंजाबी हवेली है और यहाँ पे मैकडी है और यहाँ पे भाई लोग हैं और बस ये ग्राउंड है। यहाँ पे अच्छा सा व्यू पॉइंट है, सामने स्नोफॉल अभी हो चुकी है यहाँ पे एक दो दिन पहले की, तो बर्फ़ दिख रही है। और ये त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पे ऑन द वे रास्ता दिख रहा है थोड़ा वैष्णो देवी जाने का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पे या नेक्स्ट किसी लोकेशन पे जहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। कैमरे में इतना आ नहीं रहा, हम थोड़ा आगे जाके लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं भी अपना फ़ोटो शूट करवा लेता हूँ, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी लोकेशन पे या हाईवे पे चलते फिरते। सो वी आर डन विद द फोटोग्राफी और सबने अपने अपना फ़ोटो शूट करवा लिया है और अपना you can check out my photos and pictures at my Instagram account. So बस आओ अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टॉप पे ऑन द वे किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। so far so good.
Katra guys. So we have just reached Katra. So यहाँ से अभी diversion हो जाता है रास्ते का और यासी जो भी हम आगे लेंगे तो ये सामने जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं यही है त्रिपटा पर्वत जो कि ऊपर वैष्णो देवी श्राइन पे जाती हैं और ये जो सामने ब्लू आपको छोटी सी एक रास्ता दिख रहा है वो भी जस्ट नया रास्ता खुला है इसी साल जस्ट सो नाउ वी हैव थ्री वेज टू गो टू माता वैष्णो देवी श्राइन एंड सो फार सो गुड और ये कटरा शहर आ गया है तो हम यहाँ पे काफ़ी बार आ चुके हैं इस साल भी मैं आया था तो अब यहाँ से लेफ्ट को हम हो जाएंगे फॉर रियासी एंड दिस इज राइट साइड में कटरा का रास्ता चला जाएगा तो ये राइट में है हमारा कटरा का रास्ता और ये बीच में यहाँ लिखा है रियासी लेफ्ट तो ये रियासी और शिवखोड़ी को भी जाता है शिवखोड़ी भी यहीं पे है एंड जहाँ हम जा रहे हैं रियासी फोर्ट एंड नौ देवी एंड ऑल सब यहीं पे ही पड़ता है सो वी हैव रीच्ड टू नौ देवियाँ टेम्पल सो इट इज़ सिचुएटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड वी आर ऑन द वे तो फिलहाल अभी हम नीचे जा रहे हैं इट्स अ वे डाउन फ्रॉम हेयर और यहाँ पे भी गुफा है छोटी सी गुफा है इट्स नॉट एज मच बिग लाइक गर्भजून जो कि वैष्णो देवी में आती है तो पानी बह रहा है यहाँ से झरने का पानी है इट्स नॉट नाली का पानी और नीचे रिवर है तो यहाँ की काफ़ी मान्यता है नौ देवियों की भी और बाबा ढंसल भी आ गई है सो फार सो गुड तो अभी अंदर चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं उसके बाद मैं आपको देख बताता हूँ अंदर के बारे में अगर कैमरा अलाउड हो अंदर की नहीं दैट्स द एंट्रेंस एंड दिस इज द टेंपल प्रेमाइसिस That was the temple, main temple of नौ देवियाँ अगर आपको थोड़ा दिखाई दिया हो या नहीं तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी जहाँ पे कैमरा अलाउड भी नहीं था आपको दिखाने की सो दैट वाज द मंदिर और यहाँ से होते हुए हम इसमें आए हैं जो गुफा थी और वहाँ से निकल के इधर आए हैं हम और ये जस्ट पहाड़ों का पानी है ग्लेशियर्स का ठंडा और इस टाइम ज़मीन नीचे काफ़ी ठंडी है और पानी भी बहुत पड़ा हुआ है तो ठंड भी बहुत लग रही है सो दैट वॉज नौ देवियों में टेम्पल और हमको तिलक लगा है प्रसाद मिला है चुन्नी मिली है माता का आशीर्वाद मिला है और वापस धूप में पैर लगा के काफ़ी आराम मिल रहा है तो दैट वॉज द नौ देवियाँ टेम्पल और इसकी मान्यता ये मानी जाती है कि यहाँ पे नौ पिंडियाँ हैं माता रानी की जैसे वैष्णो में तीन पिंडियाँ हैं तो वहाँ पे भी एक गुफा है जो कि आपने अभी देखी थी सेम यहाँ पे नौ पिंडियाँ हैं शायद मैं आपको दिखा नहीं पाया अंदर क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और यहाँ पे काफ़ी एक अजीब टाइप की केव्स हैं ये आई थिंक ये सल्फर वाटर की वजह से हुआ है सबकी जो शेप जो केव के अंदर गैसे थी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर भी काफ़ी ठंड है और सांस चढ़ रही है ऑक्सीजन की कमी इतनी नहीं है पर फेफड़ों की कमी होगी है ये दिल्ली के फेफड़े जीने नहीं देते आपको तो मिलते हैं आपको रियासी में और रियासी फोर्ट में
भीमगढ़ फोर्ट। और ऑन द वे अगर कहीं हम किसी टेंपल में अब गए तो वहाँ पे भी मिलेंगे। वैसे मेन हमारा डेस्टिनेशन भीमगढ़ फोर्ट ही है, तो मिलते हैं भीमगढ़ फोर्ट में।